सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ में जो संपरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी के जो प्रश्न थे उसके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 118 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपका हिंदी का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम लोग हिंदी के ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 119 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, रेगिस्तान। चीन है, गंगा है और राम जो है, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। यहीं पर देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन, राम आम खाता है वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है। तो राम जो है यहां पर कर्ता होगा, ऑप्शन नंबर सी राम हो जाएगा। देखिए ये जो हिंदी का प्रश्न है ये आपके मंडी निरीक्षक के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही आगामी जो आपके संपरीक्षक का एग्जाम भी हो सकता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके के लिए सत्य है। तो यहां पर बताना है कौन सा कहावत सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, वाक्य होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जबकि व्यापम ने पहले बार जब आंसर लिया था तो ऑप्शन नंबर ए लिया था, पदों के समूह को, जो कि गलत आंसर होगा। पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है और शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि झूठ के पांव कहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है, दो भेद होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 126, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। तो देखिए वाक्य की न्यूनतम इकाई जो होती है वर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वर्ण जो कि मुंह से निकला हुआ पहला ध्वनि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालवय स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए। ए शब्द जो है कंठ तालवय स्वर है। आगे देखिए 131 यहां पर, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठव्य। तो कंठव्य से निकलता है विसर्ग शब्द। 128 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, संयोग द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी संयोग द्वितीय आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा, चील। चील को स्त्रीलिंग संज्ञा का यहां पर आंसर बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष उष्म एवं महाप्राण है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स। स जो है अघोष भी है, उष्म भी है और महाप्राण भी है। तो यहां पर आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर लिया गया है, सुकुल और सुकलाइन, ये जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा है।
आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा री री सी का। तो ये जो है लघु स्वर के अंतर्गत आता है। 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लिया गया है, साला और सालाएं। तो ये आपका आंसर लिया गया है। चलिए आगे देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्यकाल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। इसको यहां पर आंसर लिया है व्यापम ने, सामान्य भविष्य काल में। क्वेश्चन नंबर 139 है, काला घोड़ा शब्द में काला जो कि विशेषण है, संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मर्यादित करता है। तो यहां पर मर्यादित करता है काला जो कि विशेषण है काला घोड़ा शब्द में। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव वर्तमान काल है, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है, स्थानीय क्रिया विशेषण की बात करें तो देखिए, तुम मेरी मदद पत्थर करोगी। तो ये जो शब्द मदद पत्थर करोगे है वो स्थानीय क्रिया विशेषण से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पर व्यापम ने आंसर लिया है ऑप्शन नंबर डी, सजावट। तो सजावट को यहाँ पर आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास जो है वो गुरु भाई शब्द में है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, गौण कर्म तथा मुख्य कर्म। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, कानाफूसी। तो कानाफूसी शब्द जो है वो अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 143 है, समासिक शब्द नील पीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका, विशेषणोमय पद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका, विशेषणोमय पद में। हिंदी में पश्च स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उ ओ। ये जो है हिंदी में पश्च स्वर है। ध्यान रखिएगा, व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाप पुण्य। तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, कौवे के स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लिया गया आंसर, दो। क्वेश्चन नंबर 145, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लिया गया है, चार। क्वेश्चन नंबर 149, अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है। अवरोधी व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो मुंह में हवा रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 146 है, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। तो क जो है अघोष अल्प प्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर लिया गया है, ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक देखते हैं हम लोग इस वीडियो में, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।